प्रभारी मंत्री नहीं है। चंदन राम दास के निधन के बाद से यहां प्रभारी मंत्री का पद खाली पड़ा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी बढ़ गई है। विपक्ष जहां इसकी आड़े में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार कह रही है ऑल इज वेल। रिपोर्ट देखिए। विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए हर जिले का प्रभारी मंत्री सरकार तय करती है, लेकिन चंदन राम दास के निधन के बाद जिला बिना प्रभारी मंत्री के चल रहा है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच नया प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बंद हुई, वैसे ही प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी टूट गई। ऐसे में पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री का पद कब भरा जाएगा कोई नहीं जानता। ये बात अलग है कि अब इस मुद्दे पर सियासत जरूर तेज हो गई है। स्वर्गीय चंदन राम दास जी के देहावसान के बाद प्रभारी विहीन है और निश्चित रूप से इससे विकास बाधक है। आपदा से पिथौरागढ़ जूझ रहा है, पूरा प्रदेश जूझ रहा है। सच्चाई ये भी है कि अहम पद महीनों से खाली हैं और योजनाओं को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रभारी मंत्री जैसा जरूरी पद 4 महीने से खाली पड़ा हो। वहीं सरकार की माने तो प्रभारी मंत्री की गैर मौजूदगी से योजनाओं की गति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी तब जब सीएम खुद इस कमी को दूर कर रहे हों। जब प्रभारी मंत्री नहीं होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री सीधे सीधे जनपदों को देखते हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कहीं संरक्षण नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की केंद्र बिंदु में भी और उनके दृष्टिकोण में भी पिथौरागढ़ जनपद की समस्याओं से लेकर जिला योजना से लेकर सभी चीजें उनके संज्ञान में है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भले ही सच साबित नहीं हुई हूं, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव के बाद एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जग गई हैं। ऐसे में यही लग रहा है कि उपचुनाव के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार तक पिथौरागढ़ को नए प्रभारी मंत्री का इंतजार करना होगा। बागेश्वर से सुष्मिता थापा के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे।